मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाए जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मी किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं छोले कुलचे, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। सो एंड तक देखिएगा हमारी वीडियो और देखिएगा कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सो सबसे पहले हमें कुलचे बनाने के लिए एक कप मैदा चाहिए और इसके अंदर हमने एक छोटी चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इसमें हम दो छोटी चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गुनगुने पानी से हम एक डो तैयार कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करना है एकदम सॉफ्ट। हमें धीरे धीरे पानी डालना है, हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना। और ये हमने गुनगुना पानी लिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ऐसे हाथों से। देखिए हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो चुका है। इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए हमारा डो भी काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और ये फूल चुका है। देखिए अब इसे हाथों से अच्छी तरह से ऐसे मस लेंगे हम। और इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। देखिए हमने बटर लगा लिया है। इसे हम अच्छी तरह से गूंदेंगे आटे की तरह, सॉफ्ट करेंगे इसे। और हमने बटर इसलिए लगाया था कि हमारे कुलचे एकदम सॉफ्ट तैयार हो। देखिए हमारा आटा भी कितना दिख रहा है, कितना सॉफ्ट है। इसको अच्छी तरह से हम हाथों से ऐसे करते रहेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसे अच्छी तरह से हम मस लेंगे, आटे की तरह गूंदेंगे इसे हम। अब हम इसकी लोइयां बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर हाथ में हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। मीडियम साइज की हम लोइयां तोड़ेंगे। देखिए ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। देखिए हमारी लोइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमारे 1 कप आटे की 5 लोइयां तैयार हुई है। अब हमने गैस ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई पैन रख लिया है। हम एक लोई ले लेंगे और हम कुलचे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक लोई पर हम अच्छी तरह से सूखा मैदा लगा लेंगे और हम इसे कुलचे की शेप देंगे। हमें कुलचे को बिल्कुल भी पतला नहीं रखना, ना ज़्यादा मोटा, एकदम मीडियम रखना है। देखिए हमारा कुलचा बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे। इसके ऊपर हम कसूरी मेथी ले लिया हमने। ये कसूरी मेथी भी लगा सकते हो अभी, या फिर आप धनिया भी लगा सकते हो। जिस साइड में हमने पानी लगाया है उस साइड में हमें पलट कर फ्राई पैन में रख देंगे, डाल देंगे कुलचे को। देखिए ऐसे हमने नीचे की साइड में पानी लगाया था। अब देखिए हमारे कुलचे बनकर नीचे से सिक चुका है। देखिए आप, अब इसे हम पलट देंगे, इसे अच्छी तरह से दबाएंगे। देखिए हमारे कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम सिक चुके हैं। अब हम सारे ऐसे और बना लेंगे। तो
ऊपर से बटर लगाकर हम इसे ऐसे सेक लेंगे। देखिए आपके कुलचे में रेड रेड से ऐसे आज सिक जाए तो समझिए आपके कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे हम बटर लगा के सेक लेंगे। देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे कुलचे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। पहले हमने कुलचे बना लिए थे, अब इसे पर हम बटर लगा रहे हैं। देखिए ऐसे देखिए हमारे कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी ऐसी और बना लेंगे हम। हमारे कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये मटर ले लिए है उबली हुई सफ़ेद मटर। ये हमने दो हरी मिर्च ले लिए हैं कटी हुई बारीक, इसको हम डाल लेंगे। ये हमने एक बड़ा टमाटर ले लिया है कटा हुआ, और ये हमने प्याज लिया है बारीक कटी हुई। इसके अंदर हम एक बड़ी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये हमने काला नमक डाला है एक छोटी चम्मच। ये हमने एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ये हमने आमचूर पाउडर डाला है एक छोटी चम्मच, और हमने ये इमली का पानी डाला है दो छोटी चम्मच। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। इसके अंदर हम लेमन ऐड करेंगे, लेमन जूस। इसको अब इसको आधा डालेंगे हम, देखिए ऐसे, और इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सफ़ेद मटर ली थी, आपको इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी। सो हमारे छोले कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।